केला हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगर सही ढंग से आपने केले का इस्तेमाल शुरू कर दिया तो कैंसर जैसी घातक बीमारी भी आपकी खत्म हो सकती है। तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। आइए दोस्तों जानते हैं केले से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों क्या आपने कभी ये देखा, जब भी आप घर में केला लाते हैं तो उसके अंदर कभी भी आपको कीड़े पड़े हुए नहीं मिलेंगे। घर में आप गुआवा यानी अमरूद ले आइए, कुछ दिनों में उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। लीची ले आइए, लीची में भी कीड़े पड़ जाते हैं। लेकिन केला एक ऐसा फल है जिसमें कभी भी कीड़े नहीं पड़ते। कारण है कि केला एंटीबैक्टीरियल होता है। इसमें इतना ज्यादा गुण है कि इसके अंदर कभी कोई भी इंसेक्ट पैदा नहीं हो सकता। केला जितना मर्जी गल जाएगा लेकिन उसके अंदर कभी जीव पैदा नहीं होंगे। इसलिए दोस्तों केले को धर्मों में इस्तेमाल किया जाता है। हर पूजा पाठ में केला रखा जाता है क्योंकि केला बॉडी के लिए अच्छा होता है। धर्मों में इस्तेमाल करने का कारण ही यही है। आपने देखा होगा जब भी घर में पूजा पाठ होता है तो घर के दरवाजे के दोनों तरफ केले के बड़े बड़े पेड़ रखे जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों होता है? ये धार्मिक दृष्टि से किया जाता है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है? दरअसल दोस्तों केले का जो पेड़ है वो भी एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल होता है। जब आप केले के पेड़ को घर के दरवाजे के दोनों ओर लगाते हैं तो इससे आपके घर के अंदर बुरे बैक्टीरियाज और वायरसेस एंटर नहीं करते, यानी कि आपका घर अंदर से शुद्ध रहता है। इसीलिए घर में केले के पेड़ को लगाया जाता है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि ऋषि मुनि पुराने जमाने में केले के पत्तों पर खाना खाते थे। ऐसा क्यों होता है? क्या केले के पत्ते बड़े साइज के होते हैं इसलिए? नहीं दोस्तों, केले के पत्ते सबसे शुद्ध माने जाते हैं। ये टोटली एंटीबैक्टीरियल होते हैं। केले के पत्तों पर एक भी बैक्टीरिया नहीं होता। आप जो घर में प्लेट्स में खाना खाते हैं उन प्लेट्स को जितना मर्जी धो लीजिए लेकिन फिर भी उसके अंदर किसी न किसी रूप में बैक्टीरियाज रह जाते हैं। लेकिन केले के पत्ते एंटीबैक्टीरियल हैं। केले के पत्तों पर रखकर खाया हुआ खाना कभी खराब नहीं हो सकता। अगर आप केले के पत्तों पर रखकर खाना खाते हैं तो वो बहुत ही आपके लिए शुद्ध रहेगा। तो दोस्तों इसलिए केले के पत्तों को खाना खाने के लिए भी यूज किया जाता है। दोस्तों केला छोड़िए, केले के साथ साथ केले के छिलके भी फायदेमंद है। आपने क्या कभी किसी जानवर को छिलके उतार कर फल खाते हुए देखा है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, क्योंकि फलों को अगर आप उसके छिलके के साथ खाते हैं तो फल आपको डबल फायदा करते हैं। लेकिन अगर आप केले के छिलकों को नहीं खा सकते तो आप क्या कीजिए, रात को केले के छिलकों को पानी में डुबोकर रख दीजिए, सुबह उस पानी का सेवन कीजिए। क्योंकि जो केले के छिलके का जो फायदा है वो आपके पानी में आ जाएगा और सुबह आपको वो फायदा करेगा। आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए, केले के छिलकों को सुखाकर उसकी खाद बनाकर पौधों को दीजिए। आप देखेंगे पौधे आपके डबल स्पीड से ग्रो करेंगे। अब आपके पौधे क्यों ग्रो कर रहे हैं? क्योंकि केले के छिलके में वो गुण है जो कि हमारी बॉडी को स्वस्थ रख सकता है, जो पौधों को ग्रो कर सकता है। दोस्तों इसके अलावा केले में भी दो तरह के केले हैं, एक कच्चा केला और एक पका हुआ केला। अगर आप कच्चे केले का सेवन करते हैं तो ये आपकी बॉडी के लिए एक वरदान साबित हो सकता है। कच्चा केला सभी दवाइयों का बाप है, अब ये कह सकते हैं। क्योंकि दोस्तों कच्चा केला हमारी बॉडी में डायबिटीज को खत्म कर सकता है, कैंसर को खत्म कर सकता है, दिमाग को तेज कर सकता है, आयरन की कमी को दूर कर सकता है, बालों के झड़ने को रोक सकता है और भी ढेरों बीमारियां हैं जो कच्चे केले के सेवन से ठीक हो सकती हैं। दोस्तों अगर आप हर रोज एक कच्चा केला भी खाते हैं तो जो आपकी बीमारियां जड़ से दूर होंगी, चलिए मैं आपको उनके बारे में बताता हूं। दोस्तों सबसे पहले है डायबिटीज यानी कि मधुमेह। अगर आप मधुमेह यानी डायबिटीज से परेशान हैं तो कच्चा केला खाइए। लगातार 3 महीने कच्चा केला खा लेने से आपकी डायबिटीज जड़ से खत्म हो जाएगी। दोस्तों कुछ लोग ऐसे हैं जो पिछले 10 साल से मधुमेह की दवाई खा रहे हैं फिर भी उनका शुगर का लेवल बढ़ जाता है। लेकिन दोस्तों अगर आप कच्चा केला खाते हैं तो इससे आपकी डायबिटीज जड़ से खत्म हो जाएगी और आपको 3 महीने बाद डायबिटीज की दवाई ही नहीं खानी पड़ेगी। दोस्तों मैं आपको बिल्कुल सही चीज बता रहा हूँ, आप एक बार करके देखिए फिर आपको फायदा पता चलेगा। कुछ लोग कहते हैं कि शायद इन चीजों से फायदा नहीं होता। दोस्तों फायदा इसलिए नहीं होता क्योंकि आप उस चीज को पूरे समय के लिए करते ही नहीं है। हमने आपको कच्चा केला खाने के लिए कहा, आप एक हफ्ता खाएंगे और कहेंगे कि हमारी डायबिटीज ठीक नहीं हुई। दोस्तों 3 महीने आपको इस तरह से करना है फिर आपको फायदा मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप कैंसर जैसी घातक बीमारी से बचना चाहते हैं तो कच्चा केला खाना शुरू कर दीजिए। दरअसल दोस्तों कैंसर के सेल्स सभी में होते हैं लेकिन कैंसर के सेल्स को विकसित होने से एंटीऑक्सीडेंट जो गुण है वो रोकते हैं। अब कई चीजें ऐसी हैं जिसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जैसे कि पपीता। पपीते में लाइकोपिन नाम का एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स को डैमेज करता है और कैंसर से हमें बचाता है। उसी तरह से ही कच्चे केले में भी ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि कैंसर के सेल्स को विकसित होने से हमारी बॉडी में रोकते हैं। हर एक की बॉडी में दोस्तों कैंसर के सेल्स होते ही हैं, लेकिन जब हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है तो ये कैंसर के सेल्स बहुत ही स्पीड से बढ़ने लगते हैं। इतनी स्पीड से कि हमारी बॉडी उनको खत्म ही नहीं कर पाती और देखते ही देखते पूरी बॉडी को वो खोखला कर देते हैं। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कैंसर जैसी घातक बीमारी से बचना तो आज से ही कच्चा केला खाना शुरू करें। इसके अलावा भी अपनी डाइट में केले को जरूर शामिल करें ताकि आपकी बॉडी स्वस्थ रहे।
दोस्तों अगर आप चाहते हैं आपका दिमाग स्ट्रांग हो, आपका दिमाग तेज हो, तो कच्चा केला खाना शुरू कीजिए। दरअसल दोस्तों जो हम खाते हैं वही हमारा शरीर बनता है, ये चीज समझनी बहुत ही जरूरी है। ऐसे ही नहीं कहा गया कि पूजा पाठ के समय में लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो चीज हम खाते हैं उसका असर हमारे दिमाग पर भी होता है। अगर आप लहसुन और प्याज को नवरात्रों के समय पर इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपका दिमाग उत्तेजित हो जाता है, यानी कि आपका दिमाग इधर उधर भटकेगा और आपका जो मन है वो पाठ पूजा में नहीं लगेगा। यही कारण है कि कहा जाता है कि नवरात्रों में या फिर पूजा पाठ के समय में लहसुन का और प्याज का इस्तेमाल ना करें। लेकिन हम लोग कहते हैं ये धर्म अंधविश्वास है। अंधविश्वास नहीं है दोस्तों, धर्मों को विज्ञान से जोड़ा गया है। अगर आप कोई भी चीज खाते हैं तो उसका असर दिमाग पर होता है, इसलिए दोस्तों अगर आप कच्चा केला खा रहे हैं तो ये आपके दिमाग पर पॉजिटिव असर करता है, हमारे दिमाग को मजबूत करता है, हमारे नर्वस सिस्टम को मजबूत करता है। इसलिए दोस्तों अगर आप अपने दिमाग को तेज करना चाहते हैं, शार्प करना चाहते हैं, तो केले को अपनी डाइट में शामिल जरूर करें। इसके अलावा दोस्तों अगर बॉडी में खून की कमी हो जाए तो इसके लिए भी केला बहुत अच्छा है। केले में बहुत ज्यादा मात्रा में आयरन होता है और कच्चा केला आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है। जब आप केले को अपनी डाइट में शामिल करेंगे तो इससे आपकी बॉडी में से एनीमिया की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। कभी कभार दोस्तों क्या होता है कि बीमारी का जो कारण है वो खून की कमी होता है, लेकिन हम लोग उस बीमारी को ठीक करते रहते हैं। अब मान लीजिए आपके बाल झड़ते हैं, तो बाल झड़ने के पीछे का कारण आपके बॉडी में खून की कमी हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपका ब्लड प्रेशर लो है तो इसके पीछे का कारण भी आपकी बॉडी में खून की कमी हो सकता है। अगर आपका सिर दर्द है तो इसके पीछे का कारण भी आपकी बॉडी में खून की कमी हो सकता है। लेकिन आप क्या करेंगे, सिर दर्द के केस में आप सिर दर्द की पेन किलर लेंगे। इसके अलावा बाल झड़ने के केस में आप हो सकता है बायोटिन लें, विटामिन ई लें और भी कई तरह के सप्लीमेंट्स लेंगे। लेकिन दोस्तों आपकी बॉडी में खून की कमी को जब तक आप पूरा नहीं करेंगे तो ये सप्लीमेंट्स आपको कोई फायदा नहीं करेंगे। इसलिए दोस्तों अपनी बॉडी में कभी भी खून की कमी ना होने दें। आज के समय में हम लोग लोहे के बर्तनों को घर में इस्तेमाल नहीं करते, यही कारण है कि आजकल ज्यादातर लोग एनीमिया से परेशान हैं। आपके घर में भी जरूर किसी न किसी व्यक्ति की बॉडी में खून की कमी होगी, प्लीज एक बार इसका टेस्ट जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन टेस्ट बहुत ही सस्ता होता है, आप प्लीज आज ही टेस्ट करवाएं और आप जान पाएंगे आपकी बॉडी में कितना खून है। दोस्तों अगर आप आयरन युक्त चीजें खाते हैं तो बॉडी से एनीमिया की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाती है और कई बीमारियां आपकी अपने आप ही ठीक हो जाती है, जैसे कि बालों का झड़ना, आंखों की रोशनी का कमजोर होना, शरीर में कमजोरी रहना, लो ब्लड प्रेशर होना, सिर दर्द होना, चक्कर आना, ढेरों बीमारियां हैं जो सिर्फ और सिर्फ आयरन की कमी को पूरा करने से ठीक हो जाती है। पुराने जमाने में लोग लोहे के बर्तनों में खाना बनाते थे, इसी कारण से खाने में भी आयरन का कंटेंट बढ़ जाता था और लोगों को कभी भी आयरन की कमी की प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन आजकल हम लोग नॉनस्टिक के और एल्युमिनियम के बर्तन इस्तेमाल करते हैं। क्या आपको पता है कि एल्युमिनियम के जो बर्तन हैं वो कैंसर का भी कारण है। लेकिन हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक सुंदरता के पीछे भागते हैं। हमें लगता है कि लोहे के बर्तन एक तो साफ करने मुश्किल हैं और देखने में भी सुंदर नहीं लगते। लेकिन दोस्तों पुराने जमाने में जो लोहे और तांबे के बर्तन थे वो इसीलिए इस्तेमाल किए जाते थे क्योंकि वो बॉडी के लिए अच्छे थे। आज भी अगर आप कॉपर के वेसल में पानी डालकर उसका सेवन करते हैं तो वो आपकी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। दोस्तों इसके अलावा अगर आप अपने बालों को झड़ने से रोकना चाहते हैं तो भी आप कच्चे केले का सेवन कर सकते हैं। लगातार 1 से 2 महीने कच्चा केला खाने से आपके झड़ते हुए बाल झड़ना बंद हो जाएंगे और आपके बाल लंबे और घने भी हो जाएंगे, क्योंकि कच्चे केले के अंदर आयरन कॉपर बहुत मात्रा में होता है और ये हमारे बालों की जड़ों को मजबूत करता है, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। तो दोस्तों इस तरह से केले के सेवन से आप अपनी बॉडी की ढेरों बीमारियों को खत्म कर सकते हैं। दोस्तों आयुर्वेद की यही विशेषता है, क्योंकि आयुर्वेद में एक चीज के जरिए 100 बीमारियों का इलाज बताया जाता है। लेकिन आज की मेडिकल साइंस में खाने पीने पर कोई चर्चा नहीं की जाती। आज के समय में अगर आप दिल की बीमारी के लिए भी डॉक्टर्स के पास जाएंगे तो वो आपको खाने पीने के बहुत ही कम परहेज बताएगा। लेकिन दूसरी ओर आयुर्वेद कहता है कि आपका शरीर वही है जो आप खा रहे हैं, तो अपने खान पान का ध्यान रखना शायद जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसी से हमारा शरीर और हमारा दिमाग चलता है। आई होप फ्रेंड्स आप समझ पा रहे होंगे कि खाने पीने में पहले चेंज कीजिए, बीमारियां अपने आप ही गायब हो जाएंगी, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है।